नमस्कार दोस्तों, थिंक हाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो नंबर सीरीज का पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप पार्ट वन भी देख लें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे जिसे मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये नंबर पास पास के नंबर है, कहने का मतलब 22, 24, 28 पास पास के ही नंबर हैं। अगर ये नंबर हमें लार्ज यूनिट से इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देता तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का केसेस लगाते हैं। यहाँ पे नंबर पास पास के ही नंबर है, इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन ज़्यादा यूनिट से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग सब्सट्रैक्ट करके सबसे पहले देखेंगे। इसे सब्सट्रैक्ट से कितना आएगा, 2। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा 4। यहाँ पे करेंगे कुछ आएगा, यहाँ भी सब्सट्रैक्ट करने पे कोई एक नंबर देगा। इसे सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 4 से 2 गया 2 और 8 से 5 गया 3। अब हमें यहाँ पे दो नंबर निकालना है। आपकी अप्रोच यहाँ पे कैसे होने चाहिए ये देखिए, लास्ट नंबर 32 है। अब आप ये सोचिए कि ये 32 इस नंबर से कैसे लाया जाए, इस वाले नंबर से। यहाँ पे क्या ऐसा नंबर होना चाहिए जो आपको 32 दे दे, और वही नंबर जो यहाँ पे आने वाला है वो इस नंबर से कैसे लाया जाए, और ये नंबर इस नंबर से कैसे लाया जाए। 4 को 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आ जाएगा क्या, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूनी 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 32 आ जाएगा। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आपको दिखा कि ये किस तरह का पैटर्न है। इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म मिला, फिर इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म मिला, फिर 8 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म मिला, और 16 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म मिला 32। तो पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, 2, 4, 8, 16 और 32। आप 28 में 8 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 36, ऑप्शन बी सही है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मुझे लगता है आपको समझ आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, आप ये सोचिए कि ये 5 2 से कैसे लाया जाए। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे और प्लस 1 करने पे 5 आ जाएगा। यही काम आप यहाँ पे सोचिए कि 5 से 9 कैसे लाया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करने पे और माइनस 1 करने पे 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 से 19 कैसे लाया जाए, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस 1 करने पे 19 आ जाएगा। फिर 19 से 37 लाने के लिए क्या करना होगा, 19 × 2 = 38 और माइनस करने पे ये 37 आ जाएगा। तो आपको पैटर्न दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, +1 - 1 + 1 - 1, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, +1 और मल्टीप्लाई बाई 2। आप 37 में मल्टीप्लाई बाई 2 +1 कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 7 × 2 = 4 + 1 = 75। आंसर आ गया 75, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 +- ये फॉलो हो रहा है पैटर्न इस क्वेश्चन में। इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, एक मल्टीप्लाई होता है फिर उसमें प्लस किया जाता है, या तो माइनस किया जाता है, या फिर आपको दोनों अप्लाई करके दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये नंबर लार्जली इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन वाले केसेस को कैंसिल कर दीजिए। आप सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करके देखिए कितना आएगा, 132 और 110 को सब्सट्रैक्ट करने पे 22, इसे सब्सट्रैक्ट कीजिए, 4 और 2 = 24, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने पे कुछ आएगा, और उसके बाद सब्सट्रैक्ट करने पे यहाँ पे कुछ आएगा। अब आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा होगा कि आखिर आगे कैसे प्रोसीड किया जाए। आप यहाँ पे देखिए, 22 और 24 के बीच में 2 का गैप है, तो इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप में भी हो सकता है, चेक करके देखते हैं, अगर पैटर्न मिल जाए तो अच्छा है। और यहाँ भी 2 का गैप मिल सकता है, 24 और 2, यहाँ 26 हो जाएगा और यहाँ 28, तो 22 और 24 के बीच में 2 का गैप, 24 26 के बीच में 2 का गैप, 26 और 28 के बीच में 2 का गैप। आप 156 में 26 ऐड कर दीजिए, अगर आपको ऑप्शन में दिख जाता है तो आपका पैटर्न सही है, 6 6 12 2, हाथ में 1 5 2 7 1 8 और 1, 182 ऑप्शन में है क्या, जी हाँ ऑप्शन में है सी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहां आपको ये छुपा करके दिया जाता है और आपको खुद सोचना होता है कि क्या ये पैटर्न लगेगा या नहीं लगेगा। अगर फ्यूचर में आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए
तो आप इन दोनों को डिफरेंस लेने की कोशिश कीजिए। जो आपका डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस आप नेक्स्ट में भी अप्लाई कर दीजिए, आपका पैटर्न मिल जाएगा। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 और 21 के बीच में कितने का गैप है? 9 का। 21 और 3 के बीच में कितने का गैप है? 2 का। 23 और 32 के बीच में 9 का गैप। 32 और 34 के बीच में 2 का गैप। पैटर्न आपको दिखा 9 2 9 2, इसका मतलब नेक्स्ट पैटर्न क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे आप जोर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 43। ऑप्शन ए सही है। इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखिए क्या है। अल्टरनेट सीरीज 12 से 23, 23 से 34। 12 से 23 लाने के लिए आपको 11 ऐड करना होगा, 23 से 34 लाने के लिए 11 ऐड करना होगा। अब आप यहाँ देखिए 21 32, 21 से 32 लाने के लिए भी आपको 11 ऐड करना होगा। आपको पैटर्न दिखा, 11 का डिफरेंस है, तो 32 में 11 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 43। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको अल्टरनेट सीरीज पे भी क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है पार्ट वन और पार्ट टू को मिला करके, अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो ये काफ़ी है। आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सारे वेरिएशन को कवर किया है। तो आप कोशिश कीजिए दोनों पार्ट को देखिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, आप क्वेश्चन आराम से बना ले जाएंगे, ठीक है। और इस तरह का वीडियो आपको और भी टॉपिक में मिल जाएंगे। सारे वीडियो में मैंने अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मैंने डिस्कस किया है। उन सारे वीडियोज़ को भी आप देख डालिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए पहले आपको डिक्रीज होता दिखे, फिर इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, तो आप समझिए कि यहाँ पे डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। 48 से 24 लाने के लिए क्या करना होगा हमें? 2 से डिवाइड। 24 से 96 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई। फिर 96 से 48 लाने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा। 48 से 192 लाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। पैटर्न आपको दिखा, डिवाइड बाई 2 इंटू 4, डिवाइड बाई 2 इंटू 4, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 2, 192 का 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 96। ऑप्शन सी सही है। ये 5 क्वेश्चन थे, मुझे लगता है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है उसे आप दोबारा देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और मैंने कोशिश किया है जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि मैंने दूसरे टॉपिक पर भी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। मान लीजिए मैंने टोटल 30 वीडियो बनाया है और सभी में 5-5 क्वेश्चन है, तो 5 × 30 150, आपके पास 150 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो अलग अलग तरह के होंगे, और वो क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपने ये देखा कि मैंने कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिया है, सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप 150 अलग तरह के कॉन्सेप्ट सीख कर एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रैक्टिकली आप देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और मैंने कोशिश किया है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखूं, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने 8 से 10 मिनट के ही वीडियो बनाए हैं। 8 से 10 मिनट की वीडियो आप आसानी से देख भी सकेंगे और आप पे कोई वर्डन भी नहीं आएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे लाइक करके बता सकते हैं, दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले किस तरह के क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हर दिन इस तरह का 4 से 5 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो और सिलेक्शन के चांसेस 100% हो जाए। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप वीडियो देखिए, सीखिए, एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, ठीक है। आपके स्क्रीन पे 4 वीडियो दिख रहे होंगे, अगर आप इन 4 में से कोई एक वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो पे जस्ट आप टच कीजिए, वो वीडियो प्ले हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।